बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग, पंचकूला या फरीदाबाद में बना लें हरियाणा सरकार, उन्होंने कहा पंचकूला या फरीदाबाद में बना लें लेकिन चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा, हरियाणा भी पंजाब से गया है, उन्होंने कहा। विधानसभा भवन भी पंजाब का है, भाईचारे के तौर पर हरियाणा को दिया विधानसभा भवन, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, ये उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंचकूला या फरीदाबाद में हरियाणा सरकार ये बिल्डिंग बना ले क्योंकि चंडीगढ़ में हम नहीं बनने देंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा बयान, चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग, चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा, उन्होंने कहा। हरियाणा भी पंजाब से ही गया है, विधानसभा भवन भी पंजाब का है, भाईचारे के तौर पर हरियाणा को विधानसभा भवन दिया लेकिन अब चंडीगढ़ में बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, ये बयान आया है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से वो भी आपको सुना देते हैं। चंडीगढ़ हमेशा पंजाब दा ही रहूगा, उदे वास्ते सानू जिद्दी भी लड़ाई लड़नी पई वो लड़ांगे क्योंकि हरियाणा पंजाब चो गया है, सो उन्हां दा कोई हक नहीं बनता, चंडीगढ़ तो है ही ऑलरेडी पंजाब दा, सो इस करके जिहड़ी विधानसभा वो सारी ही पंजाब दी है, वह तो वैसे भाईचारक तौर पर दित्ती हुई है, सो असी ना असी उत्थे कोई होर बनाउण देना, चंडीगढ़ ते हक हमेशा पंजाब दे। नई विधानसभा बनाई जानी है हुण हरियाणा दे लई चंडीगढ़ दे विच ही। देखो जी जो बनाना चाहते हैं तो पंचकूले बना लैन, हरियाणा च बना लैन, फरीदाबाद बना लैन, कुरुक्षेत्र जिथे मर्जी बना लैन, पर चंडीगढ़ च। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि काली रमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह का बयान है, कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब में पहले से तल्ख टिप्पणियां होती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शनिवार की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन अलॉट करने की जो घोषणा थी वो की थी। उसके बाद पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं चेतन सिंह जोड़ामाजरा, उनका बयान सामने आया, हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनाने दी जाएगी। चेतन सिंह ने यह भी कहा है कि हरियाणा चाहे तो पंचकूला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में अपनी विधानसभा भवन जो है वो बना ले। उन्होंने कहा कि पंजाब, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा, हरियाणा भी पंजाब से गया है तो पहले चंडीगढ़ पंजाब का है। और इसके अलावा उन्होंने कहा विधानसभा भवन की भी पंजाब का है, वह तो भाईचारे के नाते हरियाणा को दिया गया है। कृषि अगर बात की जाए, जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे तो एक रेशो के हिसाब से तमाम चीजें हैं वो बांटी गई थी, चाहे स्वयं का पानी की बात की जाए, चाहे हरियाणा विधानसभा की बात की जाए, चाहे बात की जाए हरियाणा एमएलए हॉस्टल की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हरियाणा का जो हिस्सा है चाहे उसकी बात की जाए, तमाम हिस्से अगर बात की जाए। विधानसभा से मैं शुरुआत करूंगा, विधानसभा की अगर बात की जाए तो 40% हरियाणा के हिस्से में विधानसभा का जो ये कॉरिडोर है या फिर तमाम जो चीजें हैं वो आई थी, उसमें से भी केवल 27% अभी तक जो है हरियाणा को मिल रहा है, बाकी जो 13% हिस्सा है वो पंजाब। लेकिन रवि काली रमन, सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद इस तरह का बयान देना कि चंडीगढ़ तो पंजाब का ही है, पंजाब का ही रहेगा, हरियाणा भी पंजाब से ही गया है, पंचकूला ले ले, फरीदाबाद ले ले, एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद इस तरह का बयान। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भी इस प्रकार के बयानबाजी देते आए हैं। इससे पहले जो है वो इस तरह के एसवाईएल को लेकर अगर बात की जाए तो एसवाईएल को लेकर भी पंजाब विधानसभा में वो एक प्रस्ताव पारित करते हैं। चलिए रोक रही हूँ आपको काली रमन यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? क्या शशि जी, क्या बयान क्या? सर जरा मैं आपको बता दूं कि खुद यहाँ पर जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं जोड़ामाजरा जी, उनकी तरफ से कहा गया है कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का ही रहेगा। देखो गल हैगी है, जोड़ामाजरा जी पता नहीं किस तरीके चंडीगढ़ नू अपने नाल जोड़ के देख रहे हैगे है। चंडीगढ़ पंजाब दा हैगा, 60% हिस्सा पंजाब दा, 40% हिस्सा हरियाणा दा है जी। तो ये जो
तरह तरह के बयान जो देना ना कि चंडीगढ़ में हरियाणा जो विधानसभा का भवन नहीं बनने देंगे, चंडीगढ़ आज केंद्र की राजधानी के यूनियन टेरिटरी है और इसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो प्रशासन कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारी दिक्कतों को देखते हुए जो हमारी मुश्किलें हैं आज हरियाणा विधानसभा की उनको देखते हुए ये हमें जगह देने की घोषणा की गई है। शायद इनको अपनी हमारी दिक्कतों के बारे में ज्ञान नहीं है और ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई पंजाब ने नई बिल्डिंग नहीं बनाई या हरियाणा ने नई बिल्डिंग नहीं बनाई, पहले भी बिल्डिंगें बनती रही हैं और आज भी अगर एक हरियाणा विधानसभा का भवन 10 एकड़ में बन जाएगा तो चंडीगढ़ तो यहीं पे रहेगा। इसका फैसला चंडीगढ़ पंजाब का है या हरियाणा का है ये किसका है ये फैसला होना भी बाकी है। ये हम कह दें कि चंडीगढ़ पंजाब का है, किसने कह दिया चंडीगढ़ पंजाब का है? चंडीगढ़ पंजाब का है, फैसले के अंदर बहुत सारी चीजें जो बाकी की हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है? जब तक कोई फैसला टेबल पर बैठ करके नहीं हो जाता, हाँ जो मेरे हक का फैसला तो वो तो मैं मान लूंगा, जो मेरे खिलाफ है फैसला वो नहीं मानूंगा, ऐसे फैसले नहीं हो करते। और फिर एक बात और है सृष्टि जी, आज पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पंजाब विधानसभा के लिए भी हमें भी अलग से जगह दी जाए, पंजाब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बनाने के लिए अलग जगह दी जाए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो पंजाब विधानसभा अलग से कोई दूसरी बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर अगर केंद्र सरकार सहमत होती है तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन है। चंडीगढ़ के ऊपर अभी तक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और जब पंजाब हरियाणा के अंदर जो फैसले हुए हैं और जब लागू होंगे उसके पश्चात किसका हरियाणा चंडीगढ़ है किसका नहीं है ये बाद में फैसला होगा। अब देखिए सर, उन्होंने ये तक कह दिया कि पंचकूला या फरीदाबाद में बना ले, चंडीगढ़ पर पूरा हक जताया गया उनकी तरफ से, कह रहे हैं फरीदाबाद पंचकुला में बनाए कोई दिक्कत नहीं, चंडीगढ़ में नहीं बना देंगे। वो चंडीगढ़ के मालिक थोड़ा ही हैं, चंडीगढ़ के मालिक तो केंद्र सरकार है, केंद्र की जो प्रशासन है वो चंडीगढ़ के मालिक है। अपने आप को मालिक समझ बैठना चंडीगढ़ का, तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलतफहमी है। चंडीगढ़ हरियाणा का, चंडीगढ़ 60% चंडीगढ़ पर ऊपर पंजाब का दावा है, 40% पर हरियाणा का दावा है और वो जो चंडीगढ़ का फैसला है जब लागू ही नहीं हुआ, जब लागू होगा उसके पश्चात क्या किसके पास जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन आज चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र की सरकार यहाँ की मालिक है। लेकिन सर इसके पीछे वजह क्या है? जैसे कि आपने भी कहा कि पंजाब सरकार को अगर कोई बिल्डिंग बनानी है बना ले, हरियाणा हमेशा बड़ा दिल दिखाता है बावजूद इसके पंजाब की इस तरह के तेवर। ये उनकी संकीर्ण सोच है, एक बहुत जो मैं कहूंगा कि छोटी सोच है। ठीक है, और उम्मीद क्या जताई जा रही है, क्योंकि सर केंद्र की तरफ से यह आश्वासन दे दिया गया है, अमित शाह जी ने खुद चंडीगढ़ में जमीन देने की घोषणा की है, तो इसके लिए प्लान आप लोगों का क्या है उसके बारे में अगर आप बता पाए तो। जानी हमें थोड़े दिनों के अंदर ये जमीन पे हैंड ओवर हो जाएगी, उसके ऊपर अच्छी से अच्छी बढ़िया ग्रीन बिल्डिंग यहाँ पर बनाएंगे ताकि यहाँ का पर्यावरण भी ठीक रहे और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई किसी को दूसरे व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। और सर एक आखिरी सवाल और करूंगी, क्योंकि अभी पंजाब के मंत्रियों की तरफ से और ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, या पंजाब की तरफ से सरकार की तरफ से कोई अड़चन पैदा हो सकती है इस काम में कानूनी तौर पर? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसी प्रकार से कोई कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है। कोई आज नई बिल्डिंग, पहली बार बिल्डिंग हरियाणा की बनने लगी है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे स्थानों के ऊपर पंजाब की बिल्डिंगें भी बनी है, हरियाणा की बिल्डिंगें बनी है, पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी नया बना, मिनी सेक्रेटेरिएट, हरियाणा का भी मिनी सेक्रेटेरिएट बना है, तो ये सब चंडीगढ़ के अंदर ही बने हैं सारे। ठीक है सर, हालांकि ठीक है हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से एतराज और नाराजगी जरूर जताई गई है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भाईचारे के तौर पर हरियाणा विधानसभा हमने आपको दे दिया भवन,
उतना काफी है, पर यहां पर क्योंकि बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा हो गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हरियाणा को नया भवन जो है वो मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और मेरे सहयोगी रवि काली रमन भी मेरे साथ बने हुए हैं। रवि काली रमन, आपने सुना हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जिस तरह की भी बयानबाजियां भले ही पंजाब की तरफ से सामने आ रही हो, मंत्रियों की तरफ से सामने आ रही हो, लेकिन वो उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा लगातार ये कह रहा है अगर पंजाब को कुछ अलग से भवन बनाने की जरूरत है तो वो बना सकता है। हरियाणा के तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, वो उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई कि पंजाब का कोई भवन बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई। जब भी हरियाणा अपने लिए कोई भवन की मांग करता है, कोई जमीन की मांग करता है, कोई किसी चीज अपने हक की मांग करता है, तो पंजाब की तरफ से उसको नकार दिया जाता है, उसको साफ मना कर दिया जाता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, इस पर हक हमारा है, तो ऐसी बातें लगातार सामने आती है। तो कहीं ना कहीं मैं जिक्र कर रहा था 40-60% रेशो का जो है, तो अगर विधानसभा, अगर जो वर्तमान में जो विधानसभा है जिसमें हरियाणा के भी जो तमाम जो लोग बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, और पंजाब के भी विधायक बैठते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 40% हिस्सा जो है वो हरियाणा के हिस्से में आना चाहिए, उसमें 27 मिलता है, 13% अधिक हिस्सा वो भी पंजाब, उसमें भी पंजाब का कब्जा है। एमएलए हॉस्टल की बात की कर लीजिए, उसमें भी ज्यादा से जितना हरियाणा को हिस्से में जो फ्लैट्स मिलने थे वो भी पंजाब के पास है, वो पूरे नहीं मिल पाते। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो काफी लंबे समय से हरियाणा का हक नहीं मिल पा रहा, अपने हक के लिए यहाँ पर जो हरियाणा है वो आवाज उठाता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रवि काली रमन आपका खबर पर।